हेलो, आप सभी देखने वाले लोगों को राजेश का प्रणाम। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छा से होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है समग्र दृष्टिकोण। इसको लिखे हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी। ब्रह्मांडी चेतना हर जीव का प्राथमिक कारण है। मैं मौजूद हूँ क्योंकि वह मौजूद है। सर्वोच्च एक को छोड़कर किसी अन्य इकाई पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। वह हर सीमित इकाई का सर्वोच्च गंतव्य है। जब हम अपने हृदय में महसूस करते हैं कि परमार्थ के अलावा भीतर या बाहर कुछ भी नहीं है और जो कुछ भी मौजूद है वह उनकी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है, इसे समग्र दृष्टिकोण कहा जाता है। विश्व में जब भी किसी आध्यात्मिक संस्कृति का ह्रास होता है तो इसका कारण आध्यात्मिक साधकों एवं योग्य गुरुओं का अभाव होता है। योग्य आध्यात्मिक शिक्षक वे हैं जिनके पास एक समग्र दृष्टिकोण है और इसे अपने छात्रों को प्रदान करने की क्षमता है। परम पुरुष सर्वज्ञ है जो पूरी सृष्टि में उन लोगों को देखता है जो उनका ध्यान कर रहे हैं। ये एकात्म दृष्टिकोण वाले की अभिव्यक्तियाँ हैं। केवल ऐसे लोग ही जाति, रंग, पंथ, समुदाय, राष्ट्रीय या भौगोलिक बाधा आदि के बावजूद प्रत्येक मनुष्य को स्वजन के रूप में देख सकते हैं। वे सभी भेदभावों से मुक्त हैं, यहाँ तक कि वे जानवरों और पौधों को भी अपने साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित मानते हैं। इस संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य आमतौर पर मन, बुद्धि और इंद्रियों पर निर्भर करता है। ज्ञानेंद्रियों की क्षमता अत्यंत सीमित होती है। ये अंग परम पुरुष को कैसे देख सकते हैं जो पांच मूलभूत कारणों से कई गुना अधिक सूक्ष्म हैं। वास्तव में वह मानवीय समक्ष की शक्ति से परे है। ब्रह्मा मन या वचन से प्राप्य नहीं है, वह आनंदित संज्ञानात्मक असर के माध्यम से ही प्राप्य है। वह अथाह है, इंद्रियों की क्षमता धारण और बुद्धि से परे। वह महादेव है क्योंकि इस ब्रह्मांड के प्रत्येक देव उनसे निकलते हैं। वह सभी स्पंदनों और संवेदनाओं का केंद्र है। इसे अनुभूत करके ही जीवन सार्थक हो सकता है। आप सभी लोग अच्छा लगे तो अवश्य शेयर कीजिएगा अपने अपने फेसबुक पर।